समाजशास्त्र और सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत उपकल्पना विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आज उपकल्पना, प्राकल्पना, परिकल्पना, हाइपोथेसिस किसी भी नाम से पुकारें उसकी कुछ और परिभाषाओं और प्रकारों पर प्रकाश डालूंगा। निश्चित रूप से मेरा यह व्याख्यान समाजशास्त्र, सामाजिक अनुसंधान या किसी भी अन्य प्रकार के अनुसंधान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो उपकल्पना को हम जैसे जानते हैं कि हाइपोथेसिस कहते हैं, सबसे पहले हम उपकल्पना या परिकल्पना के अर्थ की बात करेंगे। पूर्व में हम बात कर चुके हैं कि उपकल्पना का तात्पर्य है एक काम चलाऊ अनुमान या अनुसंधान से पहले संबंधित विषय के बारे में पूर्व विचार। कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे परिकल्पना, वह चिंतन जो अनुसंधान के पूर्व किया जाता है उपकल्पना कहलाता है। बहुत ही सरल शब्द है इसमें कि जब एक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्य की ओर आगे बढ़ता है, अनुसंधान की दिशा में अग्रसर होता है, अध्ययन करता है, तो उससे पहले वह उस विषय के बारे में, उस अध्ययन के विभिन्न पहलुओं के बारे में चिंतन करता है, अपने मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के अनुमान लाता है, अपने मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के पूर्व विचार लेकर आता है और उन पूर्व विचारों को, उसके उस चिंतन को ही हम उपकल्पना कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों में उपकल्पना का प्रथम स्थान आता है। जैसा हम जानते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान की कसौटी होती है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग ही इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई विषय विज्ञान है अथवा नहीं है, और वैज्ञानिक पद्धति के कुछ निर्धारित चरण हैं जिनको प्रत्येक वैज्ञानिक को, समाज वैज्ञानिक को मानना पड़ता है, और उन चरणों को अपनाकर ही अनुसंधान कार्य को एक दिशा प्रदान की जाती है और अनुसंधान के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति के जितने भी चरण हैं, ये सच बात है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण है, परंतु इन सब में भी जो सबसे पहला स्थान जिसका आता है वह है प्राकल्पना। प्राकल्पना के बारे में यह वैज्ञानिक मान्यता है कि उपकल्पना से ही अध्ययन शुरू होता है और उपकल्पना के ही साथ इसका समापन होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब एक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्य की शुरुआत करता है तो उसके मन में पूर्व विचार उस अनुसंधान के बारे में, उस अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में आता है। यहाँ से अनुसंधान कार्य प्रारंभ होता है और जो पूर्व विचार अनुसंधान से पहले उसके मन में आता है, उस पूर्व विचार का परीक्षण अनुसंधान कार्य की समाप्ति पर होता है, ये टेस्ट करने के लिए, ये ज्ञात करने के लिए कि जिस पूर्व विचार को लेकर के, जिस चिंतन को लेकर के अनुसंधान कार्य पूरा किया, प्रारंभ किया गया था, क्या वो पूर्व विचार सही था अथवा गलत था। सही था तो कितना सही था, जितना सोचा था क्या उतना सब कुछ अध्ययन के दौरान प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो इसका तात्पर्य है कि अध्ययन की शुरुआत उपकल्पना के साथ होती है और अध्ययन का समापन भी उपकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस के साथ होता है।
निश्चित रूप से अनुसंधान, चाहे कोई भी हो, चाहे वो नेचुरल फिनोमिना की स्टडी हो या सोशल फिनोमिना की स्टडी हो, प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान में उपकल्पना का महत्व है। और सामाजिक अनुसंधान पर भी यही बात लागू होती है कि सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का विशेष महत्व होता है। उपकल्पना के अर्थ पर हम और थोड़ा प्रकाश डालें। उपकल्पना की सहायता से हम जीवन के अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उस क्षेत्र से संबंधित वास्तविक तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं। हम समझ सकते हैं कि जब अनुसंधान कार्य किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, जिस विषय को, जिस अध्ययन क्षेत्र को अनुसंधानकर्ता चुनता है, वह विषय, वह अध्ययन क्षेत्र उसके लिए पूर्णतः अपरिचित होता है, अज्ञात होता है। और उस अपरिचित क्षेत्र से परिचित होने के लिए, अपरिचित क्षेत्र के बारे में जानने के लिए, अपरिचित लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए अनुसंधान कार्य किया जाता है। और इस प्रकार अनुसंधानकर्ता कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश करता है और उस क्षेत्र से संबंधित जो भी वास्तविक तथ्य हैं उनको अपने अध्ययन के द्वारा प्रकाश में लाता है। उपकल्पना के द्वारा हमें समस्या की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। निश्चित रूप से जब हम उपकल्पना निर्मित करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि अध्ययन किए जाने वाला विषय अनुसंधान के लिए, अनुसंधानकर्ता के लिए पूर्णतः नवीन विषय है, अज्ञात विषय है, उसे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। लेकिन जब वो गहराई से उस विषय के बारे में पूर्व विचार लाता है तो इसके द्वारा वह संबंधित समस्या की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करता है। परिकल्पना की सहायता से अनुसंधान कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्धारण किया जाता है। अनुसंधान कार्यक्रम कितने समय तक चलेगा, कितनी पॉपुलेशन पर फोकस्ड होगा, कितनी सैंपलिंग की जाएगी, सैंपल साइज क्या होगा, तथ्य संकलन की किस प्रविधि का चुनाव किया जाएगा, सूचनादाता कितने होंगे, स्टैटिस्टिकल टूल्स कौन कौन से प्रयोग किए जाएंगे, या अध्ययन के लिए कौन कौन से चरण से गुजरना पड़ेगा, ये सारी रूपरेखा का निर्धारण परिकल्पना के द्वारा किया जाता है। जैसा हम जानते हैं, अनुसंधान एक लंबी यात्रा होती है। अनुसंधान बच्चों का खेल नहीं। इसमें अनुसंधानकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह धैर्य का परिचय दे, वस्तुपरकता से अपने आप को जोड़कर व्यक्तिपरकता से स्वतंत्र रहकर अध्ययन करे। जिस बिंदु से अनुसंधान रूपी यात्रा प्रारंभ की जाती है, उसी बिंदु से ये समाप्त होती है। तो अब हम बात करेंगे उपकल्पना की कुछ परिभाषाओं की। पहली परिभाषा जिसको मैंने इस व्याख्यान में सम्मिलित किया है, वह एडवर्ड के द्वारा दी गई है। एडवर्ड के अनुसार उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के संभाव्य संबंध के विषय में कथन होता है।
यह एक प्रश्न का ऐसा प्रयोग उत्तर होता है कि जिससे चरों के संबंध का पता लगाया जाता है। तो दो बातें एडवर्ड ने अपनी परिभाषा में बताई हैं। पहली बात तो ये कि उपकल्पना दो अथवा दो से अधिक चरों के जो प्रोबेबल रिलेशंस हैं उनके बारे में एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, और यह एक ऐसा कथन है जो अनुसंधानकर्ता के प्रश्न का के उत्तर को देता है और उत्तर में उन चरों के संबंध का पता लगाया जाता है। उपकल्पना की अगली परिभाषा जिसको मैंने इस व्याख्यान में सम्मिलित किया है वह है लुंडबर्ग की परिभाषा। लुंडबर्ग ने बताया है कि एक उपकल्पना एक सामयिक या कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच शेष रहती है। तो जैसा हम जानते हैं कि उपकल्पना का निर्माण अनुसंधान कार्य से पूर्व किया जाता है, यह एक कामचलाऊ अर्थात क्षणिक रूप से उत्पन्न एक सामान्यीकरण है और ये सामान्यीकरण ये कथन ये अनुमान कितना सही है इसकी जांच शेष रहती है जिसे अनुसंधान कार्य के द्वारा अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है। अगली परिभाषा करलिंगर की है। करलिंगर के अनुसार उपकल्पना दो या अधिक चल राशियों अथवा चरों के संबंधों का कथन है। सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में गुडे तथा स्केट्स के विचार बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपने कहा है कि उपकल्पना एक अनुमान है जिसे अंतिम अथवा अस्थायी रूप से किसी अवलोकित तथ्य अथवा दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया गया हो एवं अन्वेषण को आगे पथ प्रदर्शन प्राप्त होता हो। तो गुडे एम स्केट्स ने इस बात को स्वीकार किया है कि उपकल्पना एक अनुमान है और एक ऐसा अनुमान जिसे अंतिम अथवा अस्थायी रूप से किसी अवलोकित तथ्य अथवा दशा और दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया गया हो अनुसंधानकर्ता के द्वारा और साथ ही उपकल्पना अन्वेषण के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक का कार्य करती है अर्थात अनुसंधानकर्ता के लिए एक रास्ता तैयार करती है और उस मार्ग पर उस रास्ते पर अनुसंधानकर्ता से चलने की अपेक्षा की जाती है। अब हम बात करेंगे उपकल्पना के प्रकारों के। उपकल्पना के प्रकार की चर्चा के लिए मैं यहां पर दो विचारकों का संदर्भ दूंगा। पहले विचारक जिन्होंने उपकल्पना के प्रकार पर प्रकाश डाला है वो है मैक गुइगन। मैक गुइगन ने उपकल्पना को परिकल्पना को दो भागों में बांटा है। मैक गुइगन के अनुसार उपकल्पना दो प्रकार की होती हैं। प्रथम सार्वभौमिक उपकल्पनाएं अर्थात वे उपकल्पनाएं जिनका अध्ययन किया जाने वाला चर सभी समय और सभी स्थानों पर उपस्थित रहता है। मैक गुइगन के अनुसार उपकल्पना का दूसरा प्रकार है अस्तित्ववादी उपकल्पना अर्थात वे उपकल्पनाएं जो एक मामले में चरों के अस्तित्व का निर्धारण कर सकें। मैक गुइगन के अनुसार के बाद में मैं हेज के वर्गीकरण को प्रस्तुत करूंगा। हेज ने उपकल्पनाओं को दो वर्गों में वर्गीकृत किया है। प्रथम
सरल उपकल्पना, जिसके अंतर्गत सामान्य उपकल्पनाएं आती हैं, तथा जिनके अंतर्गत किन्हीं चरों के बीच सहसंबंध की स्थापना की जाती है। हेज के अनुसार उपकल्पना का दूसरा प्रकार है मिश्रित उपकल्पना। मिश्रित उपकल्पना वह उपकल्पना है जिसमें चरों की संख्या एक से अधिक होती है। इनमें सहसंबंध सांख्यिकी की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्राकल्पना या उपकल्पना समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक अनुसंधान से जुड़े लोगों के लिए, सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अनुसंधान की सफलता उपकल्पना के निर्माण पर ही निर्भर करती है। अगर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन प्रॉपर है, गंभीरता से किया गया है, तो निश्चित रूप से अनुसंधान कार्य सफल होता है। और इसके विपरीत यदि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन दोषपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में अनुसंधान कार्य दोषपूर्ण बन जाता है। अनुसंधानकर्ता जिन उद्देश्यों को लेकर कार्य करता है, वो उद्देश्य उसको प्राप्त नहीं हो पाते।